IPL 12वें सीजन में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने कमाल की बल्लेबाजी के दम पर 5 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं आरसीबी की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। वहीं आरसीबी ने मुंबई को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया। इस मैच में मलिंगा ने 4 विकेट चटकाए। इसके जवाब में जब मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो रोहित शर्मा और डिकॉक के बीच एक धमाकेदार साझेदारी हुई। वहीं इस मैच में हार्दिक पांडे का तूफान देखने को मिला और उन्होंने 19वें ओवर में ही सारा गेम पलट कर रख दिया। तो चलिए आपको बता दें उन्होंने इस ओवर में किस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की। 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कोई भी रन नहीं लिया। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद में चौका और चौथी गेंद में भी चौका जड़ा। वहीं पांचवी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। वहीं आखिरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए। इसी तरह से हार्दिक ने 16 गेंदें खेलकर 37 रन बनाए। 19वें ओवर में हार्दिक के बल्ले से 22 रन निकले और यही 22 रन मुंबई के लिए जीत बन गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में बड़ा धमाका कर दिया और मुंबई को जीत दिला दी। आप हार्दिक के इस तूफान के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।